नमस्कार, संडे स्पेशल में आपका स्वागत है। आज संडे स्पेशल में मैं एक खास बात बताने वाली हूँ और वो है एंगर के बारे में। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि भाइयों और बहनों दोनों में एंगर यानी गुस्सा आना, उसकी वजह अलग रहती है और उनका तरीका भी अलग रहता है। जैसे कि भाइयों को गुस्सा क्यों कब आता है, कैसे आता है, ज्यादा करके एंग्जाइटी। घर में उन्होंने अपने वाइफ को कुछ काम दिया हो तो घड़ी घड़ी पूछेंगे ये काम किया, ये काम किया। यदि उसने नहीं किया तो उसको बहुत डांटेंगे। उसको लगेगा कि मैं इतने सारे काम तो करती हूँ, अब ये नहीं किया उसके लिए इतना क्यों गुस्सा कर रहे। तो ये एक अलग प्रकार है, ये इसको बोलते हैं एंग्जाइटी। लेकिन महिलाओं में गुस्से की वजह अलग ही रहती है और उनका गुस्सा भी जरा सा अलग रहता है। जैसे कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जिसे बोलते हैं, जैसे किसी ने कुछ कहा इंस्टेंटली उसके सामने जवाब दे देना, उसकी बात सुने बगैर समझे बगैर इंस्टेंट रिएक्शन देना, ये महिलाओं की यानी विमेन के गुस्से का ये प्रकार है। और उसकी वजह से कई बार ऐसा भी हो जाता है कि संबंध जो है वो बिखर जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोग साथ में तो रहते हैं लेकिन एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि ऐसा करने के बाद उस गृहिणी को बहुत ही पश्चाताप होता है, उसको लगता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसे ये नहीं पता कि ऐसा होता क्यों है ऑटोमेटिकली। तो मैं आपको एक सत्य घटना बताने जा रही हूँ। आज से करीब 4 साल पहले भारत के एक बहुत ही मशहूर उद्योगपति की पत्नी, जो एक जमाने में मशहूर अभिनेत्री भी हुआ करती थी, वो हमारे यहाँ आई थी और उसको बहुत सारी समस्या सॉल्व करनी थी, पर उसकी मेन फोकस ये था कि मुझे ये ऑटोमेटिक गुस्सा जो आता है वो कैसे बंद करें। तो ये जो ऑटोमेटिक रिएक्शन यानी कि कोई कुछ बोले उसकी बात पूरी सुने बगैर ही सीधा सामने रिएक्ट करना, ये एक कैरेक्टर जो आता है वो हार्मोन की वजह से आता है। फीमेल के जो हार्मोन रहते हैं उसमें एक पर्टिकुलर इम्बैलेंस जब हो जाता है तो शरीर में हैप्पीनेस के हार्मोन कम बनने लगते हैं। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थियोरी है, आप ज्यादा थियोरी पे जाना भी नहीं, लेकिन इसका कनेक्शन जो है वो हार्मोन के साथ है। तो जब ये हार्मोन की इम्बैलेंस हो जाती है जिसमें पीरियड तो ठीक ही आता है, वैसी कोई बीमारी नहीं दिखाई देती, लेकिन एक प्रकार का सटल चेंज अंदर होता है जो जिसकी वजह से जिसकी कमी वो हार्मोन की थोड़ी सी कमी हो जाने की वजह से जो हैप्पीनेस के हॉर्मोन से वो कम बनते हैं। तो उससे कंप्लेनिंग नेचर, हमेशा ये बोलना कि मुझे ये तो आपने बोला था नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, या बच्चों पे तुरंत गुस्सा हो जाना, किसी ने कुछ कहा तो तुरंत रिएक्ट करना, ये सारी जो बिहेवियर है वो उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो जब ये हॉर्मोन्स ठीक होने लगते हैं तो अपने आप ये गुस्सा शांत होने लगता है। तो हमने इनको भी यही प्रकार के नेचुरल होम रेमेडीज दिए, कुछ पंचकर्म और कुछ डाइट दिए, जिसकी वजह से ये हार्मोन का बैलेंस हो गया और अचानक 2 से 3 महीने में ही ऑटोमेटिक गुस्सा आना था वो बंद होने लगा। और दर्शकों आप मानेंगे नहीं, लेकिन इस प्रकार से मैंने हजारों लोगों को मदद की है। मैंने देखा है कि केवल थोड़ी चीज यहाँ से वहां चेंजेस लाने से ये जो ऑटोमेटिक एंगर है वो डेफिनेटली महिलाओं में बंद हो सकती है। फिर कभी हम बात करेंगे भाइयों में जो एंगर आती है उस विषय में, लेकिन आज जो मैं प्रयोग दिखाने जा रही हूँ वो प्रयोग बेसिकली गर्मी को शांत करने वाले हैं, मन को ठंडा करने वाले हैं। इसलिए सारे लोग जिसको भी एंगर की समस्या है ये प्रयोग बिल्कुल सेफली कर सकते हैं। और बाद में मैं महिलाओं को प्रिसाइजली क्या करना है, तो पहला काम ये करना है कि घी, जब भी जिसको भी एंगर की समस्या हो दिन में 2 बार उनको यहाँ पर घी लगाना है, इसको बोलते हैं टेम्पल रीजन। रात को सोते समय यहाँ पर ताड़ू के हिस्से में घी लगाना है और गले में जो खड्डा है वहां आपको घी लगाना है। तो 3 जगह घी लगाना है, एक तो यहाँ पर ये मर्मा पॉइंट है उसको बोलते हैं अनंग मर्मा, एक यहाँ पर लगाना है और एक ये मर्मा पॉइंट है जो गले के अंदर खड्डा है वहां घी भर देना है। हो सके तो नाभि में घी भरना है। तो जिसको भी गुस्सा बहुत आता है उनको ये 4 जगह पे थोड़ा थोड़ा घी रख देना है दिन में 1 से 2 बार। तो अपने आप पित्त जो सर पे चढ़ गया है वो नीचे उतर आ जाएगा और उसकी वजह से गुस्सा जो है वो कम हो जाएगा।
अब मैं आपको एक ऐसा प्रयोग दिखाती हूँ जो जो भी मन को शांत करता है, किसी को भी गुस्सा बहुत आता हो, लाइफ में कंप्लेनिंग नेचर हो गया हो, नेगेटिविटी फील होती हो, वो व्यक्ति ये करेंगे तो उनको बहुत लाभ दिखाई देगा। तो उसके अंदर आपको लेना है 1 चम्मच ब्राह्मी का चूर्ण, 1 टीस्पून ब्राह्मी का चूर्ण, 1 टीस्पून ब्राह्मी पाउडर, 20 गुलाब की पत्ती उसे क्रश करके अंदर मिला दे, 1 चम्मच धनिया का चूर्ण, 1 चम्मच धनिया का चूर्ण, 1 चम्मच धनिया का चूर्ण और 1/2 ग्लास व्हाइट पम्पकिन जूस, 1/2 ग्लास सफेद कद्दू का रस। अब कई बार मैंने देखा है कि ये जो सफेद कद्दू है वो सब जगह नहीं मिलता, तो यदि आपको सफेद कद्दू मिले तो आप वही इस्तेमाल करें, और यदि ना मिले तो उसकी जगह 20 मुनक्का को भिगा करके उसे फिर मैश करके लिक्विड निकाल लीजिए, और ये लिक्विड आपको लेना है। तो ये सारी चीजें मिला करके दिन में 2 से 3 बार लेनी है। मैं रिपीट करूंगी, फॉर एंगर, एंग्जाइटी, नेगेटिव थिंकिंग, कंप्लेनिंग फीलिंग, यू कैन डू दिस वेरी इफेक्टिव होम रेमेडी विच विल कूल डाउन योर माइंड एंड फील मेक यू फील वेरी काम, comfortable even in chaotic situations. So in this you should take 1 teaspoon of Brahmi powder, 1 teaspoon of Brahmi powder, 1 teaspoon of coriander seed powder, 1 teaspoon of coriander seed powder, 20 rose petals, you can crush it and add in the mixture, 1/2 glass of white pumpkin juice, 1/2 glass of white pumpkin juice. And if you can't find white pumpkin juice, you can take 20 black raisins, soak them, take out the liquid and add into this mixture. ये पूरा मिश्रण जो है, ये पूरा मिश्रण है, वो आप दिन में 2 से 3 बार लीजिए. Take this mixture at least 2 to 3 times a day. And at the end, you should do also pranayam. साथ में शीतली प्राणायाम और ब्रेथ ऑब्जर्विंग टाइप ऑफ प्राणायाम जो है वो आप रोज करें. आई एम श्योर के योगा फॉर यू में तिवारी जी, योगाचार्य तिवारी जी जो प्राणायाम दिखाते हैं, उसके द्वारा आप शीतली प्राणायाम सीख करके रेगुलरली करते रहेंगे, उससे भी गुस्सा बिल्कुल शांत हो जाता है और गर्मी कम हो जाती है. तो ये था एंगर को हम कैसे कंट्रोल करें और हर लोग एंगर को कैसे कंट्रोल करें. और महिलाओं को यदि एंगर है तो यही प्रयोग के अंदर केवल 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच सौंफ डाल दीजिए. यदि महिलाओं को एंगर है तो इसी प्रयोग में 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच सौंफ डाल दीजिए. तो ये पूरा प्रयोग आप करते रहेंगे तो 1-2-4 महीने के अंदर अंदर अचानक से आपको लगेगा कि आपका मन शांत हो गया है, पहले से पेशेंस हो गया है, पॉजिटिव थिंकिंग आ रहा है, एंगर कम हो गया है. तो यदि आपकी कोई समस्या है तो हमें जरूर लिखे, हम आपकी समस्या के समाधान ले करके आते रहेंगे. फिर मिलेंगे अगली बार.